भागवत कृपा सेवा समिति द्वारा लगातार छठे वर्ष सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। समिति द्वारा आर्थिक रूप से अक्षम कन्याओं का विवाह और सामाजिक समरसता लाने के उद्देश्य से सामूहिक विवाह समिति द्वारा यह आयोजन किया जाता है। इस वर्ष आयोजन में 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। घाटा बिलोद के एक निजी गार्डन में हुए इस सामूहिक विवाह आयोजन के तहत इस वर्ष 11 जोड़ों ने शादी के बंधन में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की। इसी के साथ भागवत कृपा सेवा समिति द्वारा अब तक 127 कन्याओं से अधिक के विवाह संपन्न हो चुके हैं। कथाचार्य व समिति के संस्थापक पंडित लोकेशानंद शास्त्री ने बताया कि गरीब व निर्धन परिवार जो कि शादी विवाह समारोह में होने वाले व्यय को वहन करने में सक्षम नहीं है, उनका भी विवाह समारोह सम्मान पूर्वक एवं धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न हो सके और सामाजिक समरसता लाने के उद्देश्य से समिति यह आयोजन प्रतिवर्ष करती है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्यादान स्वरूप बर्तन व अन्य सामग्री भी समिति द्वारा दी गई। समिति व जन सहयोग से हुए इस आयोजन में स्थानीय जन प्रतिनिधियों के अलावा गणमान्य व्यक्तियों ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देकर विदा किया। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसके अलावा अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी गुरुदेव के सानिध्य में आयोजित किए जाते हैं और समस्त लोगों का इसमें सहयोग रहता है, विशेषकर भागवत कृपा सेवा समिति के सदस्यों का और सब सदस्यों के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न होता है। हर वर्ष एक से एक अधिक कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। हमें इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार रहता है। देव उठने 11 के बाद में आने वाला रविवार के दिन हम ये सामूहिक विवाह आयोजन करते हैं। परिस्थिति इस वक्त 11 जोड़ों का किया जा रहा नहीं, तो पिछले वर्ष 51 जोड़े, इसके पहले 21 जोड़ों का भी किया गया है। सभी कार्य समिति के सदस्य और जो भी दानदाता उनके सहयोग से यह सब कार्यक्रम होता है और इस प्रकार से हम चाहते हैं ये कार्यक्रम लगातार चलता रहे, जिससे लोगों में उत्साह भी रहे और निर्धन कन्याओं के लिए एक बड़ा सहयोग मिलता है। भागवत कृपा सेवा समिति के माध्यम से प्रतिवर्ष समाज में संस्कार की स्थापना हो और 16 संस्कारों में प्रमुख एक संस्कार जिसका विवाह संस्कार हम कहते हैं, जो प्राय आज समाज में विवाह तो बचा है लेकिन संस्कार नहीं बचा है, उस संस्कार की स्थापना को लेकर भागवत कृपा सेवा समिति प्रतिवर्ष निर्धन कन्याओं का विवाह, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और समाज में सामाजिक समरसता के उद्देश्य को लेकर प्रतिवर्ष एक निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन भागवत कृपा सेवा समिति करती है और इस वर्ष ये छठा वर्ष है। अभी तक 127 से ज्यादा कन्याओं का विवाह भागवत कृपा सेवा समिति इसके माध्यम से कर चुकी है और आज घाटा बिलोद शुभम गार्डन में भागवत कृपा सेवा समिति का यह दिव्य आयोजन सभी यजमानों के सहयोग से अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।